प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं में हम अध्याय 15 के अंतर्गत व्यवसायिक वित्त इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्रत्येक व्यवसाय की स्थापना और उसके संचालन के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी भी व्यवसाय में यदि वित्त ना हो तो ऐसी स्थिति में हमें व्यवसाय को संचालित कर पाना असंभव होगा, अर्थात व्यवसाय का जीवन रक्त जो है वो वित्त के रूप में। तो किसी भी व्यवसाय की स्थापना एवं उसके संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अब व्यवसाय को जब हम प्रारंभ करते हैं तो जो राशि स्थापना के समय प्रारंभ करते समय व्यय की जाती है वो प्रारंभिक व्यय कहलाती है। जैसे भूमि खरीदी, भवन खरीदा, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, किराए की दुकान खरीदी, तो ये सब व्यवसाय की स्थापना के लिए जो हमने राशि व्यय की वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। अब व्यवसायिक वित्त से जो आशा है, यहाँ व्यवसायिक वित्त वित्त किसी भी व्यवसायिक उपक्रम या व्यवसाय का जीवनदायी रक्त प्रवाह कहा जा सकता है। व्यवसाय की स्थापना, संचालन, विस्तार आदि सभी क्रियाएं वित्त पर निर्भर होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यवसाय का जो जीवनदायी तत्व है वो क्या है, वित्त है। क्यों? क्योंकि इसी से हम व्यवसाय की स्थापना करते हैं, व्यवसाय को संचालित करते हैं और व्यवसाय का विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एकल व्यवसाय की दशा में एकल व्यवसायी जो होता है वो स्वयं की पूंजी लगाता है, और साझेदारी व्यवसाय की दशा में जो है सभी साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी का उपयोग किया जाता है। अब एकल व्यवसाय में हमने देखा कि स्वयं की पूंजी लगाता है, साझेदारी व्यवसाय में देखते हैं हम कि जो जितने भी फर्म में साझेदार हैं वे सभी मिलकर आपस में अपनी पूंजी के माध्यम से साझेदारी व्यवसाय का संचालन करते हैं। अब बात आती कंपनी की दशा में, तो कंपनी जो अपने वित्त को इकट्ठा करती है, पूंजी एकत्रित करती है, वो अंश और ऋण पत्र के माध्यम से जुटाती है। तो यहां हम तीनों स्थितियों में देखते हैं कि वित्त की व्यवस्था जो है तीनों प्रकार के व्यवसाय में, एकल व्यवसाय में स्वयं की पूंजी, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की पूंजी, और कंपनी की दशा में जो है अंश पत्र और ऋण पत्र के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है यहां पर। अब व्हीलर के अनुसार जो व्यवसायिक वित्त की परिभाषा जो है, व्यवसायिक उद्यम की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में जो व्यवसायिक क्रियाएं पूंजी की प्राप्ति व उपयोग से संबंधित होती हैं वो व्यवसायिक वित्त कहलाती हैं। अब किसी भी व्यवसायिक उद्यम को संचालित करने के लिए उसकी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो व्यवसायिक क्रियाएं, ऐसी व्यवसायिक क्रियाएं हम करते हैं जिनसे हमें पूंजी की प्राप्ति होती है और उस पूंजी का हम उपयोग करते हैं, वो सभी क्रियाएं जो है किसके अंतर्गत आती हैं, व्यवसायिक वित्त के अंतर्गत आती हैं, व्यवसायिक वित्त कहलाती हैं। तो ये परिभाषा है व्यवसायिक वित्त की। इसके बाद हम देखते हैं व्यवसायिक वित्त का महत्व क्या है प्रवर्तन संबंधी कार्य के लिए। जब हम कंपनी की स्थापना करते हैं या संस्था की स्थापना करते हैं तो स्थापना करने से पहले सबसे पहले हम विचार करते हैं, उत्पादन का विचार करना, उत्पादन के संबंध में अनुसंधान करना, खोज करना, और उसके नियोजन हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। तो यहां हम प्रवर्तक जो कंपनी की स्थापना के संबंध में कार्य करता है वो प्रवर्तक है यहाँ पर। तो ये कार्य जो है वो कौन करता है, प्रवर्तक, प्रवर्तक, फिर अनुसंधान करता जो खोज करता है, और प्लानिंग करने के लिए, नियोजन करने हेतु हमें इन सब के लिए वित्त की, पूंजी की, धन की आवश्यकता होती है। तो पहला कार्य जो है वो प्रवर्तन संबंधी कार्य के लिए व्यवसायिक वित्त का महत्व है। दूसरा जो है स्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए हमें व्यवसाय को संचालित करने के लिए भूमि की आवश्यकता है, भवन, मशीनरी, संयंत्र, ट्रेडमार्क आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो इन सब के लिए हमें स्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने में व्यवसायिक वित्त का अपना एक महत्व है। फिर आधुनिकीकरण की बात करें हम, स्थापित व्यवसाय या उद्योग को हमें आधुनिकतम रूप प्रदान करना है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करना है, तो हमें नई मशीन, नए उपकरण लगाने होंगे, इनके प्रतिस्थापन और उनकी वस्तु को तैयार करके बाजार तक
तक लाने में हमें वित्त की आवश्यकता होती है। फिर हमें लाभांश एवं कर देने हेतु अंशधारियों को लाभांश देना है, उसके लिए हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। टैक्स वगैरह हमें चुकाने तो उसके लिए हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। फिर अवास्तविक परिसंपत्तियां जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ख्याति आदि के को खरीदने हेतु। इस प्रकार से हमें यहाँ हम देखते हैं कि इन प्रक्रिया को करने के लिए जो है हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। तो यह व्यावसायिक वित्त का महत्व। इसके बाद हम देखते हैं व्यावसायिक वित्त के प्रकार कौन कौन से प्रकार है। नंबर एक, अवधि के आधार पर। नंबर दो, विनियोग के आधार पर, अवधि के आधार पर। नंबर दो, विनियोग के आधार पर। तीसरा जो है स्रोत के आधार पर। नंबर दो विनियोग, नंबर एक अवधि, नंबर तीन स्रोत के आधार पर। ये व्यावसायिक वित्त तीन प्रकार का होता है। नंबर एक अवधि के आधार पर, दूसरा विनियोग के आधार पर, तीसरा स्रोत के आधार पर। अब जो अवधि के आधार पर है, समय के आधार पर, वो तीन प्रकार का होता है, दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और अल्पकालीन वित्त। वहीं विनियोग के आधार पर जो वित्त होता है वो होता है दो प्रकार का, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तीसरा जो स्रोत के आधार पर है, जिन साधनों से प्राप्त होती है, वो है स्वामीगत पूंजी और ऋणगत पूंजी। तो व्यावसायिक वित्त के जो तीन प्रकार है, अवधि के आधार पर, विनियोग के आधार पर और स्रोतों के आधार पर। यहां हम बात करते हैं अवधि के आधार पर। तो अवधि के आधार पर जो है तीन प्रकार से, दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और अल्पकालीन वित्त। तो ये दीर्घकालीन वित्त क्या है, व्यवसाय में लंबे समय तक पूंजी लगाकर जिससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है वो दीर्घकालीन वित्त कहलाता है। दीर्घकालीन वित्त के लिए हमें जैसे भूमि, मशीनरी खरीदना है लंबे समय तक के लिए पूंजी लगाना है, भवन, मशीनरी, संयंत्र, ट्रेडमार्क आदि जो है, यहाँ विनियोजित पूंजी जो है व्यवसाय के संचालन में दीर्घकालीन समय तक सहयोग देती है। अब यहाँ पर जो वित्त की आपूर्ति है, ये वित्त हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अंश पत्र के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व अर्जित लाभों के पुनर्विनियोग आदि से प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि दीर्घकालीन वित्त वह पूंजी कहलाती है जिसको हम व्यवसाय या व्यापार उद्योग में लगाकर लंबे समय तक उससे लाभ अर्जित करते हैं। ये दीर्घकालीन वित्त के लिए जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, ट्रेडमार्क आदि के लिए जो पूंजी हम विनियोजित करते हैं वो दीर्घकालीन वित्त के अंतर्गत आती है। और ये वित्त दीर्घकालीन समय तक के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूंजी जो हमें प्राप्त होती है किससे, अंश पत्रों से या ऋण पत्रों से या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से या विभिन्न अर्जित लाभों के विनियोग से प्राप्त की जा सकती है। ये कहलाता है दीर्घकालीन वित्त। अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे कि मध्यकालीन वित्त क्या है। यहाँ पर दीर्घकालीन वित्त के बाद जो दूसरा है मध्यकालीन वित्त। मध्यकालीन वित्त मतलब कि कम समय के लिए, दीर्घकालीन बहुत अधिक लंबा, 5 वर्ष से ऊपर, 10 साल, 20 साल तक के लिए हमें, या अनंत जीवन काल तक जब तक व्यवसाय संचालित होता रहता तब तक के लिए जो हम पूंजी लगाते हैं वो दीर्घकालीन। अब यहाँ पर मध्यकालीन बीच के समय, बहुत अधिक समय के लिए नहीं। मध्यकालीन वित्त से आशा है कुल वित्त के उस भाग से होता है जिसकी आवश्यकता सामान्यतः 1 से 5 वर्ष तक व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए होती है। अब यदि हमें व्यापार का स्थापित व्यवसाय, व्यापार का विकास करना, विस्तार करना है, कुछ अल्प समय के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम मध्यकालीन वित्त पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे मशीनों व उपकरणों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण के लिए इस वित्त की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति पूर्वाधिकारी अंश, बैंक ऋण, जन निक्षेप, वित्तीय संस्थाओं व वित्तीय कंपनियों से की जाती है। यहाँ पर जो है ये पूंजी जो हमें प्राप्त होती है मध्यकालीन पूंजी, ये पूर्वाधिकारी अंश से, बैंक से ऋण हम लेते 1 वर्ष के लिए होती है।
वो अल्पकालीन वित्त या कार्यशील पूंजी कहलाते हैं। अब ये कम समय के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है, तो सामान्यतः बात यहाँ पर तय है कि हमें व्यवसाय में ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त की जरूरत होती है जो बार बार रूटीन में हो रहे हैं। तो जैसे कच्चे माल का खरीदना हमें रूटीन में खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं, मजदूरी, वेतन, बिजली, विज्ञापन, प्रतिदिन के व्यय के लिए इस पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ती है। निर्माणी उद्योग में कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने में समय लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि निर्माणी उद्योग में कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने के लिए समय लगता है। फिर बाजार जाता है वो बिक्री करने में भी एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ वापस पुनः उत्पादन करना होता है। अतः यहाँ पर व्यावसायिक उत्पादन चक्र को बनाए रखने के लिए, अर्थात उत्पादन जो है वो ब्रेक ना हो, क्योंकि माल हमने उत्पादित किया, बाजार में गया, यदि नगद बिक्री हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ उधारी बिक्री हुई, तो ऐसी स्थिति में पूंजी क्या हो जाती, वहां ब्रेक हो जाती और वापस हमें यहाँ पुनः उत्पादन करना होता। तो उस व्यावसायिक उत्पादन चक्र को बनाए रखने के लिए हमें अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा उत्पादन जो है वो ब्रेक ना हो, रुके ना। तो बीच में जब हमें पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम उसकी पूर्ति जो है वो बैंक साख, बैंक से ऋण, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम ओवरड्राफ्ट पे राशि लेते हैं, व्यापारिक साख, बाजार में जो उस व्यवसाय उद्योग की जो साख है उसके आधार पर प्राप्त करना ऋण, फिर विनिमय विपत्र हैं, एक्सचेंज बिल्स हैं, और ग्राहक से अग्रिम साख, एडवांस में ग्राहक से हम ऋण के रूप में राशि प्राप्त कर लें। तो ये ऐसी पूंजी है जो एक निश्चित कम से कम समय के लिए हमें प्राप्त होती है, जो व्यापार व्यापार व्यवसाय उद्योग के चक्र, उत्पादन चक्र को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो कहलाती है यहाँ पर अल्पकालीन वित्त। तो यहाँ तीन प्रकार हमने देखे। फिर दूसरा जो प्रकार है विनियोग के आधार पर, विनियोग के आधार पर जो है दो प्रकार की पूंजी होती है, एक स्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। तो कुल पूंजी का वह भाग जो स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क आदि खरीदने के लिए स्थायी पूंजी प्रयुक्त होती है, इसकी प्राप्ति जो है दीर्घकालीन स्रोतों से की जानी चाहिए व विनियोक्ताओं की मांग पर इसे वापस नहीं किया जा सकता। इस पूंजी को विनियोग पे लंबे समय तक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो विनियोग के आधार पर जो है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो है, पहली जो बिंदु है स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता हमें पड़ती है भवन, अपने व्यापार व्यवसाय उद्योग की स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए, जिनसे हम लंबे समय तक लाभ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर यह पूंजी कैसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए जो हमें दीर्घकालीन लंबे समय के स्रोतों से प्राप्त हो, जिनको हमें वापस लंबे समय तक ना करना पड़े, और बीच में यदि विनियोक्ता मांग करते हैं तो हम इसे वापस ना करें। इस पूंजी से में जो विनियोग करते हैं उसको हम लंबे समय तक लाभ प्राप्त करते हैं। इसको जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं, नंबर एक है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है, यदि व्यवसाय की प्रकृति जो है वो बड़े आकार का है, उसकी उत्पादन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमें मशीनरी ज़्यादा है, भूमि, भवन, संयंत्र जो है बड़ी मात्रा में लगने हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि किस प्रकार की है, यहाँ पर जो है उत्पादन करने में यदि लंबा समय लगता है, अधिक समय लगता है, लागत अधिक आती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें यहाँ स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। फिर स्थायी संपत्तियों की मात्रा, व्यापार व्यवसाय उद्योग में यदि बड़ी मात्रा में हमें स्थायी संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि की आवश्यकता हमें होती है ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमें अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर अवास्तविक परिसंपत्तियां, व्यय, व्यवसाय के जो स्थापना से संबंधित व्यय हैं, प्रवर्तन से संबंधित व्यय हैं, ये यदि अधिक मात्रा में होते हैं तो यहाँ भी हमें बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जो विभिन्न बिंदु हैं ये एक व्यवसाय की स्थायी पूंजी को निर्धारित करते हैं। अगला बिंदु जो है कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिस पूंजी की आवश्यकता होती है वो कार्यशील पूंजी होती है, जैसे कच्चे माल को क्रय हेतु, मजदूरी, वेतन, किराया, ईंधन, बिजली, विज्ञापन हेतु रोजाना व्यय करने होते।
वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कार्य को सुचारू रूप से लगातार संचालित करने के लिए। तो जैसे कच्चा माल हमें बार बार लगता है, मजदूरी लगती है, वेतन देना पड़ता है, किराया, ईंधन, बिजली, विज्ञापन आदि ये देना होता है। इन सब के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ निर्माणी उद्योग में सभी बिक्री नगद ना होकर उधार भी होती है। तो निर्माण उद्योग में जो हम उत्पादन करते हैं तो सभी जो उत्पादन है वो उसकी बिक्री जो है वो नगद नहीं होती, उधार भी होती। तो जब तक उधार बिक्री राशि प्राप्त ना हो तब तक वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर यदि बिक्री राशि फंस जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें पुनः अगला उत्पादन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो ये पूंजी जो है सामान्य तौर पर स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल और विनियोग आदि चालू संपत्ति के रूप में होती है। वर्किंग कैपिटल जो होती है सामान्य तौर पर स्टॉक के रूप में होती है, देनदार जिनसे हमें पैसा प्राप्त होना है, प्राप्य बिल जैसे बिल्स जिन पे भुगतान बाकी है, और विनियोग ये चालू संपत्ति के रूप में होते हैं। तो ये कार्यशील पूंजी। अब यहाँ भी व्यवसाय की प्रकृति, इसको निर्धारित करने वाले तत्व जो है व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है। बड़ी मात्रा में यदि यहाँ उत्पादन किया जाता है तो इस स्थिति में हमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर व्यवसाय का आकार किस प्रकार का, उत्पादन का क्षेत्र किस प्रकार का है, उस हिसाब से भी हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता अधिक होती है। फिर निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली लागत व समय, वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन लागत यदि अधिक बैठती है, उत्पादन करने में समय अधिक लगता है, तो ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी की लागत यहाँ बढ़ जाती है। फिर बिक्री में तीव्रता, तैयार माल जो है बाजार में कितनी शीघ्रता से बिकता है, नगद बिकता है या उधार बिकता है, फिर ये भी निर्धारित करता है आपकी वर्किंग कैपिटल को। तो यदि बाजार में तेजी से माल बिकता है, नगद रूप में बिकता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमें कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होगी। लेकिन उधार प्रकृति का है, यदि उधार माल ज़्यादा बिकता है तो ऐसी स्थिति में हमें वर्किंग कैपिटल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर उत्पादन में कच्चे माल व श्रम की आवश्यकता, उत्पादन में जो है यदि कच्चा माल अधिक मात्रा में लगता है और अधिक मात्रा में यदि हमें मजदूरी लगती है तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर कार्यशील पूंजी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है कार्यशील पूंजी किन बिंदुओं के आधार पर निर्धारित होती है कि कितनी मात्रा में हमें पूंजी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की, इस आधार पर व्यवसाय के आकार पर, निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली लागत पर समय के आधार पर, बिक्री की तीव्रता के आधार पर और उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। फिर तीसरा बिंदु जो है हमारा स्रोत के आधार पर। तो पहला जो हमने देखा था अवधि के आधार पर, दूसरा जो हमने देखा था विनियोग के आधार पर, तीसरा जो है स्रोतों के आधार पर। अब स्रोतों के आधार पर अर्थात पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला तो निजीगत स्रोत होता है, स्वामीगत या निजी पूंजी। सामान्य तौर पर हर व्यवसाय में हम देखते हैं कि जो भी व्यवसाय का प्रवर्तन करता है, व्यवसाय का जो स्वामी होता है, हमेशा वो अपने पास की पूंजी को व्यवसाय में लगाता है। तो वही व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो लगाई गई पूंजी है वो है व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी से होता है स्वामीगत या निजी पूंजी। अब एकल व्यवसाय में जो है स्वयं के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाती है, यहाँ स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी पर जोखिम जो है स्वामी का ही होता है। अब जैसे एकल व्यवसाय में एकल व्यापारी के द्वारा जो पूंजी लगाई गई, साझेदारी फर्म में जो साझेदारों के द्वारा व्यक्तिगत पूंजी लगाई गई, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का जो जोखिम है वो उनका स्वयं होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पूंजी का जो स्रोत स्वयं स्वामी होता है, अर्थात पूंजी प्रदान करने वाला कौन है? स्वामी स्वयं है। अतः ऐसी पूंजी प्राप्त करने के लिए जमानत की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वामी की निजी पूंजी है, उसकी व्यक्तिगत पूंजी है। तो ये पहली पूंजी जो है स्रोत के आधार पर स्वामीगत या निजी पूंजी। दूसरी पूंजी जो होती है वो उधार ली गई पूंजी, ऋण पूंजी या उधार जन निक्षेप के द्वारा
विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण के आधार पर या व्यापारिक साख के आधार पर प्राप्त होती है, और ये पूंजी जो प्राप्त होती है ये निश्चित अवधि के लिए जमानत पर प्राप्त होती है। बाजार से जब भी कोई पूंजी उठाई जाती है तो उसके एवज में हमें गारंटी या जमानत देनी होती है और एक निर्धारित दर से ब्याज देना होता है और शर्त के अनुसार जो है समय पर पूंजी वापस करनी होती है। अब यहाँ पर एक फायदा यह है कि चूंकि बाहर से ऋण प्राप्त किया जाता है इसलिए ऋणदाताओं का कंपनी पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इससे जो है कंपनी के संचालकों का कंपनी पर पर्याप्त नियंत्रण बना रहता है। तो स्रोत के आधार पर जो है पूंजी को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वामीगत या निजी पूंजी के माध्यम से व्यापार व्यवसाय उद्योग को पूंजी प्राप्त होती है और दूसरा माध्यम जो है ऋण पूंजी का, जो कि उधार के द्वारा जो है हमें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से या विभिन्न व्यापारिक साख एजेंसियों से ऋण जो है पूंजी के रूप में यहाँ प्राप्त होता है। से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न व्यावसायिक वित्त से आशय, उसके महत्व को समझाइए, व्यावसायिक वित्त की अवधि के व समय के आधार पर वित्त के प्रकारों को समझाइए, तीसरा विनियोग के आधार पर स्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी को उनके निर्धारक तत्वों के आधार पर समझाइए, और चौथा है स्वामीगत पूंजी व ऋणगत पूंजी से क्या आशय है समझाइए।